सो एक्सरसाइज फाइव पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, इट इज गिवन दैट फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ इफ एफ एक्स इक्वल टू 2x plus 3, x less than or equal to 2, 2x minus 3, x greater than or equal to 2. ठीक है, टू एक्स प्लस थ्री वेन एक्स ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू टू, टू एक्स माइनस थ्री वेन एक्स ग्रेटर देन टू. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे जो वैल्यूज है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. तो सिंस पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, अंडर इट्स डोमेन और गिवन इंटरवल. तो एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एंड वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक द पॉइंट एट विच फंक्शन चेंजेस. ठीक है, मतलब एक्स लेस देन और इक्वल टू टू में डिफरेंट फंक्शन है, एक्स ग्रेटर देन टू में डिफरेंट फंक्शन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x इक्वल टू टू पर हमने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करनी. सो इट इंप्लाइज दैट वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू टू. ठीक है, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू टू. x इक्वल टू टू पे हम इसकी कंटिन्यूटी को, ठीक है. तो अब देखो x इक्वल टू टू पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे एंड यहां पर एक और बात आ रही है, x लेस देन और इक्वल टू टू हमारे पास है. ठीक है, x लेस देन और इक्वल टू टू, अब कंडीशंस क्या है हमारे पास, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट एंड देन एफ ऑफ टू. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेस वाली वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड, राइट वाली वैल्यू होती है ग्रेटर. ठीक है, तो यहां पर लेस वाली वैल्यू कौन सी दिख रही है, लेस वाली वैल्यू हमारी दिख रही है ये. ठीक है, तो यहां पे आएगा हमारा एल एच एल एंड ग्रेटर वाली वैल्यू दिख रही है ये, हमारा बन जाएगा आर एच एल. ठीक है, एल एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू टू माइनस एफ एक्स, तो दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच. लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें है, यहां पर x की जगह क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इनटू 2 माइनस h प्लस 3, सो इट विल बी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7. ठीक है, नाउ वी फाइंड द RHL. RHL इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f x, so this will be limit h tends to 0 f of 2 plus h. Okay, limit h tends to 0 f of 2 plus h, so
this equal to limit h tends to zero, 2 plus h किसमें पुट करेंगे, लास्ट वाले में, तो 2 into 2 plus h minus 3, ठीक है, so this will be 4 minus 3 equal to, so left hand limit not equal to right hand limit, not equal to right hand limit means f is discontinuous. At x equal to, okay? चलो तो 5.1 पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, अब हम आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7. सेम है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. fx इक्वल टू दिया है mod x plus 3, x less than or equal to minus 3, minus 2x, minus 3, less than x, less than 3, 6x plus 2, x greater than or equal to 3, okay? तो यहां पर भी हमारा जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे. सबसे पहले चीज तो यहां मॉड एक्स लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम मॉड एक्स की डेफिनेशन रखें. तो मॉड एक्स इक्वल टू बनता है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन, ठीक है? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, mod x equal to minus x when x is less than 0. अब यहाँ पर x less than or equal to minus 3 है, तो for x less than or equal to minus 3, mod x को हमने minus x से replace कर. तो definition wise क्या हो गया? fx equal to minus x plus 3, x less than or equal to minus 3, minus 2x minus 3 less than x less than 3, 6x plus 2 x greater than or equal to 2, ठीक है? तो यहां पर कौन कौन से पॉइंट पे चेंज हो रहा है? तो एक पॉइंट है हमारा minus 3, इस पे चेंज हो रहा है. दूसरा पॉइंट है हमारा 3, इस पे चेंज हो रहा है. एक मिनट, x greater than or equal to 3 हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया हमारा 3, जिस पे ये चेंज हो रहा है, ठीक है? सो वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 3, ठीक है? ध्यान रखना है, अगर कोई पॉइंट नहीं गिवन हो तो जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट पे हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, ठीक है? सो एट x इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, एट x इक्वल टू माइनस 3, LHL limit h tends to 0 f of minus 3 minus h, direct रखा x less than minus 3, ये वाला point है, तो बन गया limit h tends to 0 minus of minus 3 minus h plus, ठीक है, x की जगह minus 3 minus h रख दिया, so this will be 3 plus 3 equal to 6. Next, RHL. So, limit h tends to 0, f of minus 3 plus h, kahan pe aega? Ye second wale. So, this equal to limit h tends to 0, minus 2 minus 3 plus h. So, this will be 6. कंटिन्यूटी के लिए अगर LHL और RHL अगर दोनों सेम हो जाए तो तीसरी कंडीशन बनती है f of a, तो मतलब यहां पर a की जगह क्या है, minus 3, तो f of minus 3 मतलब
f of x at x equal to minus 3। तो अब देखो इक्वल टू का साइन कहां पे हम ये देखेंगे, माइनस थ्री वाले केस में इक्वल टू का साइन कहां पे है हम ये देखेंगे। तो इक्वल टू हमको यहां दिख रहा है, ठीक है, ये वाला इक्वल टू है, तो जिसमें इक्वल टू है उसी में एक्स की जगह माइनस थ्री हम पुट करेंगे। सो दिस इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। सो इट इम्प्लाइज दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस थ्री पे तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट कौन सा है, थ्री। तो नेक्स्ट देखेंगे एट x इक्वल टू थ्री, तो यहां पे देखेंगे LHL। अब थ्री के लिए LHL कहां पे है, यहां पे जहां पर x की वैल्यू थ्री से छोटी होगी वहीं पे हो जाएगा LHL। तो मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ p माइनस h, मतलब लिमिट h टेंस टू जीरो थ्री माइनस h इसमें हो गया माइनस टू थ्री माइनस h, मतलब माइनस सिक्स। RHL बन जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ p प्लस h, तो दिस इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू जीरो सिक्स इंटू थ्री प्लस एच प्लस टू। सो दिस इक्वल टू 18 प्लस टू इक्वल टू 20। तो LHL नॉट इक्वल टू RHL मीन्स fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू थ्री, ठीक है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है, तो x इक्वल टू थ्री पे fx क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, नोट करो।